है हॉफ्स्टेडर एक्सपेरिमेंट, या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग मेथड या इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम यूज ले सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस की साइज को डिटरमाइन करने के लिए। तो उसके लिए हमने कंडीशन बताई थी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी का है या वेरी फास्ट मूविंग है, तो उस केस में उस इलेक्ट्रॉन बीम का यूज हम ले सकते हैं न्यूक्लियस की साइज को डिटरमाइन करने के लिए। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि हमने कहा था कि जो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है, वो उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में जो वेव एसोसिएट होती है, उन वेव का जो वेवलेंथ होती है वो उस न्यूक्लियस की साइज की ऑर्डर की होती है या उसकी रेंज की होती है। इसलिए जब न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट होगी तो वहां से स्कैटरिंग होगा, और स्कैटरिंग होगा तो हमें वहां से स्कैटरिंग के रिजल्ट मिलेंगे, और उसके रिजल्ट से हम वहाँ उसका जो साइज है न्यूक्लियस का वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपका जो हॉफ्स्टेडर एक्सपेरिमेंट है इसमें बेसिकली जो सेटअप यूज लिया गया था वो आपको यहाँ दिख रहा है। इस सेटअप के अंदर क्या है, देखिए सिंपल सा एक एक्सिलरेटर है जिसको कि हम लीनियर एक्सिलरेटर कह सकते हैं। लीनियर एक्सिलरेटर नहीं, देखो ये कोई छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, ये काफी बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये जो लीनियर एक्सिलरेटर होते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि इनको काफी लंबी लेंथ की आवश्यकता होती है। इस लीनियर एक्सिलरेटर में जब इलेक्ट्रॉन बीम रोटेट करती है तो धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ती रहती है, और जब डिजायर्ड स्पीड तक पहुंच जाते हैं, जितना कि जैसे कि मान लीजिए हमें 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा चाहिए, या इस एक्सपेरिमेंट में जो हम प्राप्त कर सकते हैं जैसे 550 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आपकी इलेक्ट्रॉन बीम इस एनर्जी तक की मिल जाती है तो हम क्या करते हैं उसके बाद में, उसको एक बीम स्टॉपर के थ्रू और कॉलिमीटर की सहायता से उस बीम को निकाल लेते हैं इस लीनियर एक्सीलरेटर से बाहर, यानी इसको त्वरक बोलते हैं, रेखीय त्वरक। ये इलेक्ट्रॉन को त्वरित करता है, त्वरित करेगा तो बेसिकली इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा तो उसका एनर्जी बढ़ेगी। और फिर जैसा कि मैंने बताया आप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम को हमने क्या किया, डिफ्लेक्ट किया मैग्नेट के द्वारा। तो ये बीम जो है इसको हमने फोकस किया इन डिफ्लेक्टिंग मैग्नेट्स और इस स्लिट के द्वारा, और इसको हमने टारगेट जो हमारा यहाँ पर स्कैटरिंग चैम्बर, वहां पर हमने एक एटम लगा रखा है, सॉरी एक जो है न्यूक्लियस है, टारगेट न्यूक्लियस, यानी कोई एक मटेरियल लिया हमने, उसको यहाँ फॉइल वगैरह के रूप में रखा हुआ है, और उसमें जब ये इंसिडेंट होगा तो इंसिडेंट के बाद में ये स्कैटर्ड होगा अलग अलग एंगल पर। तो इस अलग अलग एंगल को हम मेजर करें इसके लिए हमारे पास एक स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि इसके चारों तरफ रोटेट कर सकता है। और ये जो कॉन्क्रीट की जो दीवार आपको दिख रही है इसका क्या यूज है, ये इलेक्ट्रॉन बीम को जो है बेसिकली बाहर जाने से रोकता है ना, इसका बस यही काम है कॉन्क्रीट की जो शील्डिंग है। तो ये बेसिकली आपका जो है हॉफ्स्टेडर जो एक्सपेरिमेंट है उसका सेटअप है। अब इसके जो रिजल्ट है वो हमें देखना है, इसके रिजल्ट क्या है। तो इसके रिजल्ट आपको जो है वो यहाँ दिख रहे हैं, ये जो ग्राफ है आपको जो दिख रहा है यहाँ, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि यहाँ मैं ले रहा हूँ स्कैटरिंग एंगल डिग्री में, और यहाँ ले रहा हूँ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, यानी कि मैं कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग एंगल पर कितने संख्या में जा रहे हैं उनका हम बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल रहे हैं, और उस एरिया और एंगल के बीच में हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ जो है हमारा इस प्रकार से आता है। अब ये जो ग्राफ इस प्रकार से आ रहा है आपका, ये ग्राफ आपने कुछ कुछ देखा हुआ लग रहा होगा, ये ग्राफ आपने कहाँ देखा होगा, देखो आप याद करो ऑप्टिक्स आपने पढ़ी थी, ऑप्टिक्स के अंदर आपने पढ़ा था कि जब कोई सर्कुलर एपर्चर है उस सर्कुलर एपर्चर के अंदर जब लाइट वेव इंसिडेंट होती है तो उस लाइट वेव के करस्पॉन्डिंग, और आपने ये देखा था कि डिफ्रेक्शन की कंडीशन क्या होती है कि लाइट वेव जो आप यूज ले रहे हो उसकी जो वेवलेंथ है अगर वो उस एपर्चर की साइज की कोटि की है तो जब लाइट उस एपर्चर से गुजरती है तो वो क्या होती है ऐसे फैल जाती है। तो एंगल थीटा के साथ में आपको वहां पर क्या मिलता है, वेरिएशन मिलता है मैक्सिमा मिनिमा। तो ये पैटर्न कुछ कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा फिर फर्स्ट, ये सेंट्रल मैक्सिमा फिर फर्स्ट मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा इस तरह से। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा यहाँ,
उसकी इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी, उसकी इंटेंसिटी आपको फर्स्ट वाले के मुकाबले कम मिलेगी और सेकेंड जो मैक्सिमा होगा उसकी इंटेंसिटी और कम मिलेगी। तो ये जो पैटर्न है ये कुछ ऐसा ही तो है। आप ये देखिए, मैं सिर्फ एक साइड का बनाऊँ और दूसरी साइड का बनाऊंगा तो ये कुछ कुछ यहाँ होगा इस तरह से, है ना। तो ये एक साइड का, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया और ये फर्स्ट मिनिमा हो गया ए पर, और फिर आपको फर्स्ट प्राइमरी मैक्सिमा मिलेगा, फिर मिनिमा मिलेगा। देखो ये ग्राफ आगे तक प्लॉट हो सकता है अगर हम एनर्जी जो है वो और बढ़ाते हैं, क्योंकि ये ग्राफ किसके लिए निकाला गया, कार्बन के लिए, कार्बन न्यूक्लियस के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉन बीम जो यूज ले रहे हैं हम उसकी एनर्जी कितनी है, 420 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 500 ले लेता तो हो सकता है कि आगे पीक आपको और मिल जाता, तो ये आपका ग्राफ कुछ किस तरह से हो जाता है। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो ग्राफ आपको मिल रहा है बेसिकली, इस ग्राफ को हम ऑप्टिक्स से कोरिलेट कर रहे हैं, ऑप्टिक्स से यानी कि इस घटना से इसको कोरिलेट कर रहे हैं। अगर ये इस घटना से कोरिलेट हो जाता तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर इस कंडीशन में अगर लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है और जो एपर्चर आप ले रहे हैं उसका डायमीटर डी है ना, और एंगल थीटा पर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये एक रिलेशन आपको मिलता है साइन थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। तो इस रिलेशन की सहायता से आप क्या निकाल सकते हैं, ये डी, या तो डी निकाल लो, लैम्डा निकाल लो, कोई भी एक पैरामीटर जिसको आप निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैं यूज लेते हुए यहाँ पर क्या निकाल सकता हूँ, देखो यहाँ पर अब इसको आप कोरिलेट करिए, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है तो क्या होगा, अगर ये न्यूक्लियस है क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा। ये न्यूक्लियस बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे कि यहाँ पर सर्कुलर अपर्चर है उससे लाइट डिफ्रेक्ट होती है, वैसे न्यूक्लियस से भी इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रेक्ट होती है। तो क्या ये फॉर्मूला कुछ कुछ यहाँ पर हम लगा सकते हैं, तो हम लगा सकते हैं, लेकिन ये हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं देता, ये रफ आइडिया देता है क्योंकि हम यहाँ पर ऑप्टिक्स का यूज ले रहे हैं, जबकि ये जो घटना है ये क्वांटम मैकेनिकल घटना है। तो कुछ कुछ आइडिया हम यहाँ से लगा सकते हैं, रिजल्ट हमें ये दे देगा, लेकिन ये रफ रिजल्ट होंगे। तो आप इसको क्या करो, यूज लीजिए डी जो है, डी इस यहाँ पर तो एपर्चर की डायमीटर है, लेकिन हम यहाँ पर डी को मान लेते हैं कि न्यूक्लियस का व्यास है, तो एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि अगर डी मिल जाएगा, लैम्डा हमारे पास है ही, थीटा हम अलग अलग एंगल पर निकाल लें, तो हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि जो डी है वो क्या है, यानी कि न्यूक्लियस की साइज क्या है बेसिकली। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि आपका ये जो डी है, तो जैसे कि ये ग्राफ मैंने आपको यहाँ बड़ा करके बताया और साइन थीटा और इसके बीच में, तो यहाँ पर देखिए आप थीटा मान लीजिए मैं 45 डिग्री एंगल ले रहा हूँ ना, क्योंकि जो मिनिमा आ रहा है वो लगभग 45 डिग्री के आसपास आ रहा है। ये मैं पिछले ग्राफ से देखता हूँ आपको, जो आपका पिछला ग्राफ ये देखिए, ये लगभग यहाँ पर 50 के आसपास आ रहा है, मैं मान लेता हूँ कि रफ आइडिया दे रहा हूँ ना, 45 डिग्री एंगल मान लेता हूँ, हमें वैल्यू पता है 45 डिग्री का। तो यहाँ पर हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू रखी 45 डिग्री, लैम्डा जो है हमारा, देखो लैम्डा आप निकाल सकते हैं, लैम्डा क्या होता है, एच सी अपॉन पी, पिछले लेक्चर में देखा था, एच सी की वैल्यू फिक्स है 1240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू फेमटोमीटर, और एनर्जी हमने पीछे अभी बताया कि 420 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। इसको आप पुट करें, इसको सॉल्व करें, तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी 3 फेमटोमीटर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी वेवलेंथ मिल रही है आपको, इलेक्ट्रॉन बीम के साथ जो वेव एसोसिएटेड उसकी वेवलेंथ मिल रही है आपको 3 फेमटोमीटर। इस 3 फेमटोमीटर को आप यानी इस लैम्डा को आप यहाँ रखिए 1.22 × 3 फेमटोमीटर डिवाइड बाय साइन 45 डिग्री, तो आपको न्यूक्लियस का जो साइज है वो लगभग 5 फेमटोमीटर मिल रहा है। तो एक तरफ आइडिया है कि एक ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है और उस पर जब इलेक्ट्रॉन बीम जिसकी एनर्जी 420 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको इंसिडेंट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो साइज मिलेगी न्यूक्लियस की वो जो है लगभग आपको कितनी मिलेगी, 5 फेमटोमीटर। रेडियस की बात करें तो उसका हाफ हो जाएगा 2.5 फेमटोमीटर। तो ये एक आइडिया तो लगता है, देखो ऑप्टिक्स से भी आपने जो रिजल्ट निकाले हैं वो काफी हद तक सही है, क्योंकि हमें पता है, आज हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस की जो साइज है वो फेमटोमीटर में ही होती है, और ये 2.5 फेमटोमीटर तो एक काफी नजदीक हम इसके पहुंच गए। अब एक चीज और वापस मैं पीछे चलता हूँ, ये जो वेरिएशन आपको दिख रहा है, ये वेरिएशन ऐसा क्यों आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए एक जनरल जो ट्रेंड है, जो कि आपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड का पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि ये ग्राफ लीनियरली घटता है, एंगल बढ़ने के साथ में इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर्ड होता है हायर एंगल पर, जो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या जो मिलेगी स्कैटर की वो कम मिलती है और लोअर एंगल पर आपको ज्यादा मिलती है। तो ये एक ट्रेंड था, इस तरह से मिलना चाहिए था,
लेकिन अभी मैंने जैसा आपको बताया कि ये देखो रफली तो ऐसे ही ट्रेंड मिला, लेकिन यहाँ पर आपको एक डिप मिला, तो इसका कारण आपको बता दिया। और उसका कारण क्या है, एक तरह से ये डिफ्रेक्शन फिनोमिना आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो जो अभी जो ये ट्रेंड होता है उसमें यहाँ लिख रखा है कि जो आपका जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें आपने देखा था कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन घटेगा अगर एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास की नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इज प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। तो थीटा बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर्ड हो रहे वो घटेंगे। तो ये ट्रेंड तो इसका हो गया। और ये डिप क्यों मिल रहा है, तो उसका कारण मैंने बताया था आपको, ये सेंट्रल मैक्सिमा फिर मिनिमा, मैक्सिमा फिर मिनिमा। ओके, अब हम इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई वो क्या रहा है। तो मान लीजिए आपके पास ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस पर अब देखिए हम इसका एनालिसिस क्वांटम मैकेनिकली कर रहे हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स में हमने जब भी बात की है तो हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ में जो वेव है उसको मान लिया वेव फंक्शन साई आई इंसिडेंट या आपतित वेव फलन, तो साई आई इक्वल टू जाएगा ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर, जहाँ के तो इसकी जो है वेव वेक्टर है जो तो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। और अब जब ये न्यूक्लियस से ये वेव स्कैटर्ड होगी किसी एक एंगल थीटा पर किसी दूसरे डायरेक्शन जाएगी, तो डायरेक्शन चेंज होगी, तो अब इसका जो वेव वेक्टर होगा इस डायरेक्शन वो हो जाएगा के प्राइम वेक्टर, ठीक है। तो साई आई तो हो गया आपतित फलन और साई एफ हो गया मतलब ये इनिशियल और ये फाइनल फलन हो गया, ठीक है। ये साई आई हो गया, ये आपका साई एफ हो गया। अब देखिए ये न्यूक्लियस है ना, और ये है इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों चार्ज है। अगर ये दोनों चार्ज है तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा उसके मुझे एनर्जी निकालनी है, इंट्रैक्शन एनर्जी। तो इंट्रैक्शन एनर्जी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यूक्लियस स्फेरिकल मानते हुए थोड़ी देर के लिए, और उसका मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ वॉल्यूम डी टाउ प्राइम, ठीक है। और इस वॉल्यूम एलिमेंट का जो चार्ज डेंसिटी है वो है रो आर प्राइम, और इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना, तो इस चार्ज को मैंने क्यू वन मान लिया, इसको क्यू टू मान लिया, तो फॉर्मूला क्या बनता है, यू इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वेक्टर का मॉडुलस, मॉडुलस है ना, क्योंकि एनर्जी है तो स्केलर फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो आपने क्यू वन को तो रखा, क्यू वन की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हम इससे निकालेंगे क्यू वन क्या आएगा पता है, और क्यू टू आपका हो गया माइनस का ई, और इनकी पोजिशन वैक्टर आप देखिए वैक्टर फॉर्म में आप इसको अगर करें तो एक आपने कोऑर्डिनेट ले लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस वॉल्यूम एलिमेंट की जो पोजीशन है वो आर प्राइम है, आर प्राइम वेक्टर, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो आर वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी आर माइनस आर प्राइम वेक्टर, ठीक है। तो फॉर्मूले में रखते हैं देखो यू प्राइम, इनकी इंट्रैक्शन एनर्जी निकालते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच की इंट्रैक्शन एनर्जी निकालते हैं, तो ये रो आर प्राइम डी टाउ ये इस एलिमेंट की है, छोटे से एलिमेंट की रो आर प्राइम इंटू डी टाउ, तो ये आपका न्यूक्लियस ही होगी, माइनस का ई हो गया मल्टीप्लाई डिवाइड बाई के को मैं रखता हूँ नीचे 1/4πε0 और आर की जगह देगा आर माइनस आर, और इस पूरे को इंटीग्रेट करोगे इस ओवरऑल वॉल्यूम पर तब जाके आपको टोटल एनर्जी मिलेगी। तो ये आज तक आपको ठीक है समझ आ गया होगा। अब देखो ये एनर्जी है, तो एनर्जी है तो इस एनर्जी कारण जो वेव फंक्शन चेंज हुआ तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं चेंज ऑफ वेव फंक्शन ड्यू टू दिस इंट्रैक्शन एनर्जी, तो वो क्या है, वो ये यहाँ से आप इक्वेशन भी देख पा रहे हैं, ऐसे निकालते हैं आपने देखा होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू की तरह इसको निकालते हैं। तो यू प्राइम को आपने रखा मिड में और साई आई साई आई साई एफ को लेते हुए आपने इसका एक्सपेक्टेशन या प्रोबेबिलिटी निकाली, इसको मैं अगर दूसरे फॉर्म में लिखूँ तो वॉल्यूम फॉर्म में, ये सब आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है इसलिए यहाँ कोई ज्यादा आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। साई आई और इसको जब मैं खोलूंगा वॉल्यूम एलिमेंट के रूप में लिखे तो साई आई स्टार और साई एफ यू प्राइम है, और ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम डी टाउ, जो इसका वॉल्यूम हमने ओवरऑल वॉल्यूम दिया है डी डी टाउ, इसको सॉल्व करो साई आई स्टार का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो साई आई के स्टार लगाया होता है ई की पावर आयोटा के डॉट आर, तो आर की जगह हो जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा के डॉट आर, और ये तो सेम रहेगा, तो जब आप इसको कॉमन लेंगे इसको और इसको तो ये माइनस से चला जाएगा, तो ये आपको मिलेगा ई टू द पावर आयोटा के प्राइम माइनस के डॉट आर वेक्टर, और बाकी बची हुई चीज को मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है इक्वेशन से। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया, इसके आगे समझ लेते हैं।
थोड़ा सा यहाँ से अपन एक बार देख लेते हैं कि ये जो इक्वेशन सी है, इस इक्वेशन सी में ये जो रो आ रहा है, रो आर प्राइम बेसिकली, ये क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर पता चल जाए कि क्या चीज है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, या मुझे इसका फॉर्मूला पता चल जाए, तो मैं इसके अंदर पुट करूँ इक्वेशन में और उसको सॉल्व करूँ, तो मेरी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है और मुझे रिजल्ट मिल जाएंगे, जो भी मुझे डिजायर एनर्जी है मेरे पास, जिनमें ये जो रो आर प्राइम है ये हम अभी पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज है। तो इसका पता लगाने के लिए हम इसको उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग यानी हम इनवर्स टूल्स का यूज करते हैं, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कोई और दूसरे टूल्स का भी यूज ले सकते हैं, इनका यूज लेते हुए हम क्या करते हैं इस रो को निकालते हैं, यानी ये एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स हैं उनका यूज लेते हुए रो के लिए हम एक फॉर्मूला डिजाइन करना चाह रहे हैं। तो अगला आप देखेंगे ये ग्राफ जो है, बेसिकली इस ग्राफ की सहायता से इसको इसमें हम कन्वर्ट करेंगे, और इस ग्राफ की सहायता से हम ये फॉर्मूला लेके आएंगे, और ये फॉर्मूला जब आप उस इक्वेशन में पुट करेंगे सी में, तो आपको जो है इसकी साइज, उसके शेप और इनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये करना कैसे है? सबसे पहले देखिए ये ग्राफ आया कैसे, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, यानी कि ये जितने भी ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं उसको प्लॉट करने पर हमें ये ग्राफ मिलता है। ये ग्राफ इसलिए क्या शो करता है कि किसी भी न्यूक्लियस के सेंटर से डिस्टेंस है फेमटोमीटर में, और यहाँ पर हम न्यूक्लियस के प्रोटॉन का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, यानी न्यूक्लियस का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ डिस्टेंस आ जाएगी। तो आप देखेंगे तीन अलग अलग न्यूक्लियस के लिए, ऑक्सीजन एक्टिव और गोल्ड के लिए अभी ग्राफ प्लॉट किया है। इस ग्राफ में आप देखेंगे ऑक्सीजन लाइट न्यूक्लियस है इन दोनों की कंपैरिजन में, तो जो जितना लाइट न्यूक्लियस है देखो उसके सेंटर में चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है इसके मुकाबले, और इसके मुकाबले भी ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ ये यहाँ मिल रही है चार्ज डेंसिटी इतनी है सर, जबकि इस केस में इतनी सारी है। तो कह सकते हैं कि जो लाइट निकलेगी उसके सेंटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और डेंसिटी ज्यादा होगी, जबकि हैवी न्यूक्लियस में चार्ज डेंसिटी कम होगी। लेकिन देखो ये छोटा सा पोर्शन ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद इसका देखो ये थोड़ा सा आगे तक चला फिर डिक्रीज हो गया, और ये और ज्यादा आगे चला फिर डिक्रीज हो गया, तो इनका पैटर्न तो लगभग सेम है। तो ये क्या शो करता है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस ले रहा है उसका न्यूक्लियस की साइज उतनी ही बड़ी है। तो अब ये देखो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था ये जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल शेप का नहीं है, वो इस ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। इस ग्राफ में जो हमने रिजल्ट निकाले हैं वो है देखो प्रोटॉन के लिए रो पी, यानी कि प्रोटॉन के लिए चार्ज डेंसिटी। अगर मुझे न्यूक्लियस की चार्ज डेंसिटी निकालनी है, ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर डेंसिटी निकालनी है, इस न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब क्या हो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की डेंसिटी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये एक फैक्टर है ए बाई जेड से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको रो पी है। देखो जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल कर देगा और ए के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, यानी टोटल न्यूक्लियस के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये ग्राफ कन्वर्ट होकर आपको किसमें मिल जाएगा, रो की फॉर्म में, रो या रो पी था या रो आ जाएगा, और रेडियस हो गया भी तो रो की फॉर्म में आपको मिलेगा, इसका मतलब ये मास डेंसिटी। तो आप देखेंगे कि यहाँ तो तीन अलग अलग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर लगभग ए के पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो सेंटर से जो इसकी डेंसिटी है जो वो कितनी आ रही है 0.17, और ये आप देख रहे हो इसका वेरिएशन अभी भी वैसा ही है। ये ग्राफ मैंने आपको पिछले ग्राफ में समझा दिया था, तो ये जो वेरिएशन है इस वेरिएशन के क्या रिजल्ट है, ये वेरिएशन क्या बता रहा है एटसेट्रा। तो मैं जैसे एक ग्राफ लेता हूँ, ये इसको मैंने डार्क शो कर रखा है, इस ग्राफ को जैसे पिंक के लिए, इस ग्राफ का ये जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन के लिए कोई इक्वेशन या फॉर्मूला फिट बैठता है क्या? तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपको जो दिख रहा होगा, जो कि वुड्स सेक्शन फॉर्मूला है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आप प्लॉट करेंगे तो आपको ये कर्व मिलेगा, या फिर ये कर्व जब आप किसी फॉर्मूले के अंदर फिट करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, यानी ये फॉर्मूला यहाँ फिट बैठता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज डेंसिटी है उसका रेडियस के साथ में जो वेरिएशन है वो इस फॉर्मूले के अनुसार हो रहा है। तो हमें रो का हमें रो मिल गया, फिर हमें रो ही चाहिए था, तो हमने उल्टा चाहिए, हमने क्या किया इनवर्स फूरियर मेथड को यूज किया है, और उसके द्वारा हमने क्या किया ये जो फॉर्मूला है ये लिखा है इस ग्राफ से। अब आपके पास फॉर्मूला आ गया है,
आपको करना क्या है बेसिकली, उस फॉर्मूले को आपको यूज लेना है और आपकी जो कैलकुलेशन जो हो रही थी वो आपको करनी है। तो ये जो ग्राफ है, इसको मैंने पिछली क्लास में समझाया था, आपको बताया था कि जब अगर ये ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा होता है जैसे ये डैश चल रहा है, एक ही थोड़ी चल रही है, ये क्या शो करता कि यहाँ तक तो एकदम से न्यूक्लियस जो है स्फेरिकल है और एकदम से उसकी बाउंड्री खत्म हो जाती है, तो वो तो क्लासिकल मॉडल हो गया। क्लासिकल मॉडल क्या शो करता है कि न्यूक्लियस जो है स्फेरिकल है, जबकि वास्तविकता में क्या होता है कि जो वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो उसका आप देखेंगे कि जो आउटर पोर्शन है न्यूक्लियस का उसमें जो डेंसिटी है चार्ज की वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, यहाँ तक जो कॉन्स्टेंट रहेगी, फिर 90% से 10% के बीच में वो तेजी से डिक्रीज होती है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो डिस्टेंस है 90% से 10% के बीच ये डिस्टेंस आती है 4.4a, जहाँ पर ए जो है वो बेसिकली अटेन्यूएशन कॉन्स्टेंट को शो करता है, या एक ऐसा पैरामीटर जो कि स्किन थिकनेस को शो करता है न्यूक्लियस की। और मैंने एक दूसरी चीज बताई थी आपको, हाफ रेडियस है ना, दिस इज हाफ वैल्यू रेडियस, इस फॉर्मूला आपको जो हाफ वैल्यू रेडियस आ रही है ये क्या शो करता है कि वो रेडियस जहाँ पर डेंसिटी हाफ हो वो रेडियस कहलाएगी हाफ वैल्यू रेडियस। तो इस फॉर्मूले में आपको ये सारी चीजें पुट करनी है और आप डेंसिटी निकाल लो, डेंसिटी निकालो और इस इक्वेशन में आप करेंगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स है वो मिल जाएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के शेप के बारे में आपको काफी हद तक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जो आपके रिजल्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं ये रिजल्ट्स का शो कर रहे हैं, दिस रिजल्ट शोज दैट दैट न्यूक्लियस इज नॉट स्फेरिकल इन शेप, न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का नहीं है बल्कि वो एक ऐसा मीडियम है या एक ऐसा मटेरियल है जो कि सेंटर के पास में या कोर पोर्शन के पास में बहुत डेंसर है, जबकि उससे दूर जाएंगे तो उसका जो डेंसिटी वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती हुई आपको मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो क्लासिकल सिस्टम नहीं है और वो क्या है बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। तो आप आगे वाले जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें भी मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल ही उसको लेकर करते हुए समझाएंगे, क्योंकि देखो समझ लो आप न्यूक्लियस क्लासिकल मॉडल नहीं है, न्यूक्लियस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स की जो फॉर्मूला दिया उसकी जो उसकी थ्योरी है वो सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई होती है। तो अगली क्लास में हम और देखेंगे और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।